पंजाब दीआं चार सीटां ते 13 नवंबर नूं होण वालीआं उप चोणां नूं लै के श्रोमणी अकाली दल ने वड्डा ऐलान कीता है। अज अकाली दल की कौर कमेटी की मीटिंग तों बाद ऐलान कीता गया कि उह जिमनी चोणां दा हिस्सा नहीं बणगे। अकाली दल दे सीनियर आगू दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि पार्टी ने यह सोच समझ के फैसला लिया है। सारी पार्टी का यही मत है कि सरदार सुखबीर सिंह बादल जिहड़े आ साडे पार्टी दे प्रधान और जो भी कुछ उन्होंने नैतिक जिम्मेवारी ली वो पार्टी करके ली। असी कदी भी श्री अकाल तख्त साहब के हुक्म तो बाहर नहीं चल जिहड़ा हुक्म जो अकाल तख्त का आया वह कल्ले प्रधान वास्ते नहीं हुंदा क्योंकि प्रधान जिहड़ा पार्टी का परिवार का मुखी हुंदा। तो असी फैसला लिया कि श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा वडेरे पंथक हितों नूं भुख रखदे होया और पंथक जिहड़ियां साडियां संस्थावां ने उहदी मान मर्यादा नूं कायम रखदे होया असी इन्हां चोणां जिहड़ियां चार जिमनी चोणां इहदे विच अपने आप नूं चोणां तों बाहर रखांगे। अकाली दल दे फैसले ते जथेदार दा भी वड्डा बयान सामने आया। ज्ञानी रघुवीर सिंह ने कहा कि श्रोमणी अकाली दल दे सारे नुमाइंदे पंजाब विच होण वालीआं जिमनी चोणां विच हिस्सा लै सकदे ने। इन्हां विचों सिर्फ सुखबीर सिंह बादल चोण नहीं लड़ सकदे। श्रोमणी अकाली दल भी इन्हां चोणां विच हिस्सा लै सकदा है, वह चोणां लड़ सकदा है। अकाली दल दे उत्ते चोणां लड़न उत्ते कोई पाबंदी किसी प्रकार की नहीं है। केवल प्रधान श्रोमणी अकाली दल का मामला श्री अकाल तख्त साहब जी के परंपरा और मर्यादा अनुसार होने करके उन्होंने चोण लड़न की आग्या नहीं दी जा सकती, पर बाकी दी सारी पार्टी ये विधानसभा चोणों के हिस्सा लै सकती है। किसी प्रकार की भी पार्टी के चोणों लड़न उत्ते कोई पाबंदी नहीं है। दसदी अकाली आगू सुखबीर सिंह बादल नूं श्री अकाल तख्त साहब वालों तनखाहिया ऐलानिया गया है, जिस करके अज अकाली दल ने जिमनी चोण लड़न तो मना किया। उन्होंने कहना है कि असी अपने प्रधान बिना चोण नहीं लड़ांगे। तो उत्थे ही साबका मंत्री सोहन सिंह ठंडल का भाजपा में शामिल होना अकाली दल लई वड्डा झटका मनिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज़। पंजाब दीआं चार सीटां ते 13 नवंबर नूं होण वालीआं उप चोणां नूं लै के श्रोमणी अकाली दल ने वड्डा ऐलान कीता है। अज अकाली दल की कौर कमेटी की मीटिंग तों बाद ऐलान कीता गया कि उह जिमनी चोणां दा हिस्सा नहीं बणगे। अकाली दल दे सीनियर आगू दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि पार्टी ने यह सोच समझ के फैसला लिया है। सारी पार्टी का यही मत है कि सरदार सुखबीर सिंह बादल जिहड़े आ साडे पार्टी दे प्रधान और जो भी कुछ उन्होंने नैतिक जिम्मेवारी ली वह पार्टी करके ली। असी कदी भी श्री अकाल तख्त साहब के हुक्म तो बाहर नहीं चल जिहड़ा हुक्म जो अकाल तख्त का आया वह कल्ले प्रधान वास्ते नहीं हुंदा क्योंकि प्रधान जिहड़ा पार्टी का परिवार का मुखी हुंदा। तो असी फैसला लिया कि श्रोमणी अकाली दल जिहड़ा वडेरे पंथक हितों नूं भुख रखदे होया और पंथक जिहड़ियां साडियां संस्थावां ने उहदी मान मर्यादा नूं कायम रखदे होया असी इन्हां चोणां जिहड़ियां चार जिमनी चोणां ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। केवल प्रधान श्रोमणी अकाली दल का मामला श्री अकाल तख्त साहब जी के परंपरा और मर्यादा अनुसार होने करके उन्होंने चोण लड़न की आग्या नहीं दी जा सकती, पर बाकी दी सारी पार्टी ये विधानसभा चोणों के हिस्सा लै सकती है। किसी प्रकार की भी पार्टी के चोणों लड़न उत्ते कोई पाबंदी नहीं है। दसदी अकाली आगू सुखबीर सिंह बादल नूं श्री अकाल तख्त साहब वालों तनखाहिया ऐलानिया गया है, जिस करके अज अकाली दल ने जिमनी चोण लड़न तो मना किया। उन्होंने कहना है कि असी अपने प्रधान बिना चोण नहीं लड़ांगे। तो उत्थे ही साबका मंत्री सोहन सिंह ठंडल का भाजपा में शामिल होना अकाली दल लई वड्डा झटका मनिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज़।